कराची के इलाके खोखरा पार में बंद स्कूल पर सरकार की नजरे करम पड़ी गई। वजीर तालीम सिंध निसार खोड़ो सालों से बंद स्कूल का इफ्तिताह करने पहुंचे और स्कूल बंद होने का मलबा सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट पर डाल दिया। बोले, गवर्नमेंट स्कूल आदम गोट सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के पास है, वो सिटी गवर्नमेंट पर तनकीद करने की गुस्ताखी नहीं कर सकते। मैं गुजारिश करूँ की ये मैंने पहले भी कहा की सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का बना हुआ स्कूल है और चलाना भी उन्होंने। मैं इसलिए अगर ये कहूँ कि उस जो सुस्ती का सबब सिटी डिस्ट्रिक्ट भी हो सकती है। निसार खोड़ो ने साईं वजीर आला के शिकवों की भी तायद की। बोले, जो हकीकत थी वो वजीर आला सिंध ने बता दी। विफाकी हुकूमत ने बहुत से मंसूबों में मदद करनी थी लेकिन नहीं की, विफाक झूठ ना बोले। वजीर आला साहब ने अपनी जिम्मेदारी के साथ चेंबर ऑफ कॉमर्स ऑफ कराची को एड्रेस करते हुए ये सारी बातें कही हैं, ठीक है, और यकीनी तौर पर मैं भी आपके सामने वो आके ले आऊँगा वो सारे प्रोजेक्ट्स कि जिसमें वफाक ने मदद करनी थी। सूबाई वजीर तालीम को इलाके में देखकर गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल मलीर के बच्चे भी वहां पहुंच गए। बच्चों ने कहा कि उनके स्कूल को ईडीओ ऑफिस में तब्दील कर दिया गया है, उनका स्कूल वापस दिलाया जाए। निसार खोड़ो ने बच्चों के एहतजाज पर ईडीओ ऑफिस खत्म करके स्कूल बहाल करने के अहकाम जारी कर दिए।